हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम और मैं जो MKS मिडिल ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर हूँ। मेरे साथ स्टूडेंट है जो आज उनको मैं फर्स्ट और सेकंड के बताने वाला हूँ। तो पूछते हैं उनका नाम क्या है। आपका पूरा नाम क्या है? माय नेम इज़ मैनिल। अच्छा, ये मैनिल है जो पहले दिन भी इनका मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी हम जो फर्स्ट सेकेंड में जो स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट गियर में गाड़ी किस तरह जो है पिकअप करते हैं और सेकेंड गियर में किस तरह गाड़ी को जो है चलाते, इस बारे में जो है आज हमको इनको ट्रेनिंग देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए गाड़ी। और साथ में मेरे स्कूल के बच्चे भी है, खासकर मेरा बेटा अफसार। अफसार हाय करो। हाँ, स्कूल का टाइम है, क्या बच्चों को छोड़ने का भी है। चलिए हैंड ब्रेक नीचे करो। ये हैंड ब्रेक है, बटन उठाओ, पहले उठाओ बटन दबाओ, पहले उठा लो फिर उसका बटन दबाओ। हाँ, पहले उठा लो बटन दबाओ। हाँ, पहले उठा लो, आराम से उठा लो, उठाओ। हाँ, आप नीचे करो पूरा। ओके, आप फर्स्ट गियर डालिए, क्लच दबा के। चलिए अब क्लच को छोड़िए धीरे धीरे। चलिए क्लच को छोड़िए आराम से, राइट में देखते हुए इजी। चलो ज़्यादा लेफ्ट नहीं, ज़्यादा लेफ्ट लगेगा तो आराम से, आराम से एक्सेलेटर को ज़्यादा स्पीड मत दो। अगर देना है तो सेकंड गियर चेंज करके एक्सेलेटर आपको देना है। चलिए अब क्लच दबाओ, सेकंड गियर डालो। अभी आप क्लच को फुल दबाओ, सेकंड डालिए, परफेक्ट। क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, गाड़ी एकदम रॉन्ग साइड जा रही है, और लेफ्ट में लीजिए इस तरह। हाँ, क्लच को छोड़ दो आराम से, क्लच को छोड़ दो, परफेक्ट। एक हाथ को यहाँ रखो मिनिल, एक हाथ से ग्रिप पकड़ के चलो आराम से। ज़्यादा इतना स्पीड मत दो, आराम से, क्योंकि ना सेकंड गियर में गाड़ी आराम से चल जाती है। स्पीड में स्पीड को थोड़ा कम रखिए आप, कि ज़्यादा गाड़ी की स्पीड होगी ना, सडनली कुछ बीच में आ जाएगा तो ब्रेक मारना नहीं होगा, उल्टा और एक्सेलेटर दब जाएगा आपका। अब लेफ्ट का इंडिकेटर तो लेफ्ट में जाना हमारे को, ठीक है। और लेफ्ट का मिरर देख के चलना, लेफ्ट का मिरर देखा आपने, लेफ्ट का मिरर देखते हुए लेफ्ट लेके आपको लेफ्ट टर्न मारना है। जी जी, चलिए क्लच दबा के फर्स्ट गियर, गाड़ी स्लो हो गई ना एकदम, अब फर्स्ट गियर डालिए फटाफट। चलिए लेफ्ट में लीजिए, पूरा लेफ्ट में लीजिए, स्टैंड पूरा लेफ्ट में घुमाइए। चलिए आराम से, आराम से देखिए। अभी ये जो बीच में गाड़ी वाली गाड़ियाँ सब आ रही ना, आराम से नारे पानी वाला भी है, संभाल के लो, राइट से लो, लगेगा इसको कट लगेगा, आराम सीधा कर दो स्टेयरिंग, परफेक्ट। चलिए बढ़िया, आराम से क्लच दबा के सेकंड डालो, क्लच को धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे एक्सेलेटर को, क्लच का काम हो गया, क्लच को छोड़ देने का, पूरा क्लच को भी दबाने का। गाड़ी देखो लेफ्ट में जा रही तुम्हारी गाड़ी, आराम से चलो, परफेक्ट। हॉर्न बजा के चलो। यहाँ पे क्या स्कूल है ना, तो लोग स्कूल यहाँ पे है तो सब बिना हॉर्न के निकलते हैं, लेकिन अपना काम हॉर्न बजा के चलना है आराम से। यहाँ पे भी स्कूल है, ठीक है, हॉर्न बजा के चलना, कोई कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, परफेक्ट, आराम से। धीरे धीरे आराम से, परफेक्ट। ये आपने ब्रेक दबाया बहुत सही है, लेकिन इसके साथ में क्लच भी दबाना, वरना पूरा ब्रेक दबा के आप कंटिन्यू पकड़ोगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, तो इसलिए क्लच दबा के ही ब्रेक लेना है। सीधा जाना हमारे को, सीधा जाने का है, आराम से राइट में देखते हुए चलो। हाँ, स्टीयरिंग को लेफ्ट में लो अभी फटाफट, भैया मेट्रो का काम चल रहा है तो इसलिए क्या आगे से वन वे किया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे आगे इससे पहले स्कूल है तो स्कूल को गाड़ी जाने के लिए अलाउड दिया हुआ है, उसके आगे जाएंगे तो वन वे है, अलाउड नहीं है। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि अगले दिवाली में जो है मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई का चालू हो जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट है जो मेट्रो में ही काम करते हैं, उन्होंने बताया, कल ही बताया मेरे को, गणेश नाम है। फर्स्ट गियर डालो, गाड़ी स्लो होती फर्स्ट गियर डाल दो, गियर चेंज कर देना क्लच दबा के। जब तक क्लच दबेगा नहीं मिनल गियर जाएगा नहीं, फिर क्या गियर से फैटिंग होती रहेगी, इसलिए क्या पहले क्लच को पूरा दबा दो आराम से, फिर गियर डालना है तो क्या गियर एकदम स्मूथली आराम से जाएगा। डाली सेकेंड, परफेक्ट, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से मिनल को जो कुछ चार आज का तीसरा दिन है,
आराम से गाड़ी स्लो करते रहो, क्लच ब्रेक लो परफेक्ट, धीरे धीरे बस के क्लच फुल दबाओ। चलिए आराम से राइट में लो स्टेयरिंग, आराम से देखिए गाड़ी आ रही है, क्लच दबाना। चलिए क्लच छोड़िए, रेस दो हल्का सा और राइट में लो, और राइट में लो। आप स्पीड डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा रहे हो या फिंगर आराम से स्टिंग राइट पे दो, राइट का सिग्नल दो, स्टिंग राइट में लो आराम से। सही अफसर को स्कूल तक अंदर तक छोड़ के जाना बेटा, अफसर बेटा मैं लेने के लिए आऊँगा तेरे को, ठीक है। तो क्या एक साथ दो काम हो जाता है, मिनल को गाड़ी सिखाना भी हो जाता है, बच्चों को उसको छोड़ना भी हो जाता है। आराम से चलिए भैया, टैक्सी के बराबर बगल में यहाँ पे आप और थोड़ा आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, बस स्टॉप कर दो, क्लच ब्रेक लो। चलो बेटा भाई आप सर, तो अभी आपने गलती कहाँ की है पता है मिनल, क्लच पे, तो क्लच पे ध्यान दो, क्लच को पूरा बराबर दबाना है, फिर उसके बाद जो है आपको घेर डालना है, कि जब तक क्लच दबेगा नहीं घेर जाएगा नहीं। छोड़ दो बस, चलिए आप क्लच दबाओ, रिवर्स घेर डालो, आगे ले लो, नहीं रिवर्स जाके अपन जाएंगे, रिवर्स लो, क्लच दबाओ पूरा परफेक्ट, फुल लेफ्ट मारिए, स्टिंग में लेफ्ट घुमाइए, आप पीछे आने दो गाड़ी, आराम से आने दो पीछे गाड़ी, कलर छोड़िए आने दो, और आने दो, और आने दो, नहीं नहीं जब तक कि टर्न होगा नहीं, स्टिंग सीधा नहीं करना है आपको। चलिए अब फर्स्ट गियर डालिए, अब फुल राइट लेना, चलिए स्टिंग घुमाओ राइट में, बस बस अब कलर्स को छोड़ो धीरे धीरे, परफेक्ट मिनल, अब फटाफट लेफ्ट मिलो, जगह पे लेफ्ट मिलो, चलिए धीरे धीरे ब्रेक कंट्रोल तो आपका बिल्कुल अच्छा है। हाँ अभी आपको लेफ्ट जाने का, तो लेफ्ट का इंडिकेटर दो, गाड़ी को एकदम स्लो लेके से चलना, ठीक है, ज़्यादा रेस मत देना, कि यहाँ से गाड़ियाँ सब अंदर आने वाली है, देखो स्कूल तो पीली बस आ रही है, अपना पीली ओमनी आ रही है स्कूल की, देखो जिसने लाइट मारा, पता है क्यों लाइट मारा, आपको रुकने के लिए बोला उसने, उसको पासिंग लाइट बोलते हैं। आराम से चलिए धीरे धीरे, बिल्कुल अच्छा रास्ता क्लियर है, देखो सामने से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को अलाउड है नो एंट्री में जाने का, आराम से लो, ये पीछे वाली गाड़ी को अलाउड नहीं है, हवलदार रहेगा तो पकड़ लेगा उसको, आराम से 1000 रुपये की फिल्म बन जाएगी उसकी। आराम से सीधा ईमानदारी से रेस दबाओ, गाड़ी रास्ता भी तो रास्ता खाली अपना है ना, तो एक्सेलरेटर दबाओ, रेस दो और सेकंड डालो, देखो बस आ रही है सामने से, हॉर्न बजा के चलो, परफेक्ट। आराम से क्लच दबा के, मैंने कहा ना क्लच को पूरा दबाना आपको, क्लच आप पूरा दबा नहीं रहे हो, इसलिए घेर जान नहीं रहा, डालो क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाओ। हाँ चलिए अब क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, आराम से, ये झटका नहीं होना चाहिए गाड़ी में, झटका इसलिए हुआ कि क्लच आपने झटके से हल्का छोड़ दिया, इसलिए गाड़ी झटका मारी, परफेक्ट, बहुत अच्छा। मतलब गियर चेंज करना है तभी क्लच का काम है। हाँ जब भी गियर चेंज करना है तो क्लच को प्रॉपर अंदर तक दबाना है, और जब तक क्लच दबाएंगे नहीं गियर जाएगा नहीं प्रॉपर, बीच में अटकता रहेगा। राइट लेना, राइट का सिग्नल दो, यहाँ से हम लोग राइट जाएंगे, आप देखो सेकंड में भी गाड़ी निकल सकती है, लेकिन सिचुएशन तो गाड़ी स्लो होगी ना, फर्स्ट के दौरान फ़ौरन क्लच दबा दिया। चलिए आराम से परफेक्ट, और लेफ्ट में लीजिए, बढ़िया बढ़िया, आप रेस क्लच दबाने के बाद भी रेस ज़्यादा दबाती हो, इतना दबाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से क्लच धीरे छोड़ते रहिए,
आराम से परफेक्ट। गाड़ी कंट्रोल कीजिए, ब्रेक लो, क्लच दबा के ब्रेक लो। ये जो गाड़ी आप भगा रहे हो ये थर्ड गियर की स्पीड है और आप सेकंड में भगा रहे हो। तो जो है जैसे गाड़ी स्पीड बढ़ती है वैसा गियर चेंज करते रहना, ठीक है। आगे जो है वो टेम्पो दिख रहा है ना, टेम्पो आगे लेफ्ट में, टेम्पो के आगे यहाँ पे, इससे पहले नहीं, टेम्पो के आगे लेफ्ट में गाड़ी को रुका देना और लेफ्ट में लीजिए। हाँ, लेफ्ट में लो, बस बस यहाँ स्टॉप करो गाड़ी और आगे लो, आगे लो और आगे लो और आगे लो और आगे लो, स्टॉप करो, क्लच दबा के ब्रेक लो, स्टॉप कर दो, क्लच 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 आप क्लच दबा। ये है पार्किंग लाइट, उसको दबाओ पार्किंग लाइट को। ये पार्किंग लाइट का मतलब कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो पीछे वाला जो है बाइक से निकल जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, तो फर्स्ट गियर में आपने जो गाड़ी चलाया है ओके है, सेकंड गियर में भी ओके है, माशाल्लाह उसमें कोई शक नहीं है। बस रेस का एक थोड़ा ये हो रहा है और जैसा स्पीड बढ़ेगी थर्ड गियर भी डालना है, ठीक है। तो कल हम जैसा क्लास लेंगे थर्ड गियर का भी, थर्ड गियर फोर्थ गियर का, तो आज फर्स्ट सेकंड में आपने ऐसा कंट्रोल किया है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।